हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है गीता का घर। सुबह का वक्त है और इधर सब सो रहे हैं। देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। और इधर गीता के घर पे एक बहुत ही बड़ा जहरीला सांप गीता के घर जाने लगता है। और इधर झुमरी जहरीले सांप को देखकर बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगती है। और इधर झुमरी जहरीले सांप को देखकर डरकर भाग जाती है। और इधर जहरीला सांप गीता के घर की ओर आने लगता है। और बहुत ही बड़ा जहरीला सांप है। और इधर गीता के बेड के ऊपर उड़ जाता है। और इधर बेड के ऊपर आकर बैठ जाता है। और इधर कमल के अंदर घुसने लगता है। और इधर कमल के अंदर घुस जाता है। हे भगवान, ये जहरीला सांप कमल के अंदर घुस रहा है, कहीं गीता और रिंकी को उदास ना ले, हे भगवान। और जहरीला सांप अंदर घुस जाता है। अरे मम्मी, मेरे को गुदगुदा क्यों रही हो? अरे मम्मी प्लीज मुझे मत जगाओ, क्यों गुदगुदा रही हो? अरे मम्मी गुदगुदा रही हो क्यों? अरे मम्मी, ये रिंकी बिना नींद में बकने की इसकी आदत हो गई है, नींद में भी बड़बड़ा रही है। अरे मम्मी क्यों गुदगुदा रही हो मेरे को? प्लीज गुदगुदाओ मत, मेरे को गुदगुदी हो रही है। अरे मम्मी तो सोई हैं, फिर मेरे को गुदगुदा कौन रहा है? अरे मैं कम्बल उठाकर देखती हूँ कौन गुदगुदा रहा है। और इधर रिंकी कम्बल उठाने लगती है। ए भगवान, अरे मम्मी मम्मी देखिए ना, जहरीला सांप बेड के ऊपर। ये भगवान, ये जहरीला सांप हमें मार डस लेगा, मम्मी देखिए ना। अरे मम्मी देखिए ना, कितना बड़ा जहरीला सांप। भगवान, इतना बड़ा जहरीला सांप मेरी बच्ची को चकर लिया है, कहीं मेरी बच्ची को डस ना ले। अरे रिंकी तुम हिलना मत, मैं तुम्हारे पापा को बुला कर लाती हूँ। अरे मम्मी कुछ कीजिए ना, इतना बड़ा जहरीला सांप मेरे को चकर लिया है, कहीं मेरे को डस ना ले। मम्मी कुछ करिए, मम्मी जल्दी पापा को बुलाइए। अरे रुक जाओ रिंकी, मैं बुला कर ला रही हूँ तुम्हारे पापा को। अरे रोहित उठिए, अरे रोहित जगिए ना, देखिए रिंकी को अरे रोहित उठिए ना, अरे रोहित जगिए, देखिए ना बेड में इतना बड़ा जहरीला सांप रिंकी को जकड़ लिया है, उठिए ना। और इधर रोहित भी उठ जाता है। अरे कहाँ है जहरीला सांप, कहाँ है? मैं मेरी बच्ची को कुछ होने नहीं दूंगा। अरे देखिए ना, कितना बड़ा जहरीला सांप रिंकी को जकड़ लिया है, कहीं उसे डस ना ले। ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? अरे गीता रुक जाओ, मैं कुछ लाठी ले आता हूँ सांप को मारने के लिए। सांप छोड़ छोड़ छोड़, मेरी बच्ची को छोड़, क्यों जकड़ा है ये सांप? छोड़ छोड़, आज तो मैं तुझे मार दूंगा। छोड़ छोड़, ये मेरी बच्ची को क्यों जकड़ा है तू? छोड़ दे मेरी बच्ची को, कुछ मत कर, मेरी बच्ची बहुत ही नादान है, छोड़ मेरी बच्ची को ये सांप। छोड़ छोड़ छोड़। और इधर सांप रिंकी को छोड़ देता है और रोहित के पीछे आने लगता है। भगवान, ये सांप तो मेरे पीछे ही आ रहा है, मैं इसे उठा कर फेंक देता हूँ। और इधर सांप गीता की ओर आने लगता है। ये भगवान, ये सांप तो मेरी ओर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? ये भगवान, ये सांप मेरी ओर आ रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे रोहित कुछ कीजिए ना, ये सांप मेरी ओर आ रहा है, ये भगवान कहीं मुझे ना डस ले। और इधर गीता के ऊपर सांप चढ़ने लगता है। ये भगवान, ये सांप मेरी ओर क्यों आ रहा है? ये सांप, जा जा तू जा, ये भगवान ये सांप मेरे को जकड़ रहा है, ये भगवान। और इधर सांप गीता को पूरा जकड़ लेता है। ये भगवान, रोहित कुछ करिए ना, देखिए ये सांप पूरा जकड़ लिया है मेरे को। अरे पूरी तरह से मुझे जकड़ रहा है, कहीं मुझे मार ना दे। अरे रोहित कुछ कीजिए ना, कहाँ चले गए आप? और इधर गीता को पूरा सांप जकड़ लेता है। ए भगवान, ये सांप तो पूरा जकड़ लिया है गीता को, अब मैं क्या करूं? पूरा गीता नीचे लेट गई है, अब मैं क्या करूं ये भगवान? और तभी राधा गीता के घर आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया गीता को? ये सांप पूरा चकर लिया है। अरे रोहित भैया कुछ करिए ना, ये सांप को अपने हाथों से लेकर बाहर फेंक आइए, नहीं तो ये गीता को डस लेगा, ये भगवान कुछ करिए रोहित। आ आ आ रोहित कुछ करिए, मेरे को जकड़ रहा है सांप, अरे रोहित कुछ करिए। और इधर रोहित अपने हाथों से सांप को थाम लेता है।
आज तो साफ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से तेरे गले को थाम कर तुझे भारी फेंक कर आऊंगा, देखना तू। और इधर रोहित सांप के गले को थाम लेता है और बहुत, और इधर सांप बहुत ही बड़ा होता है। आज तो मैं तुझे अपने हाथों से फेंक कर आऊंगा बाहर। और इधर रोहित सांप को ले जाता है अपने हाथों से पकड़ कर। चल मैं तुझे आज फेंक कर ही आऊंगा बाहर। अरे गीता तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं राधा दीदी, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मुझे रोहित की फिक्र हो रही है। रोहित हाथ में थाम कर लेके गए हैं सांप को फेंकने के लिए। अरे कुछ नहीं होगा, रोहित बहुत ही बहादुर है, सांप को तो अपनी नानी याद आ गई होगी और दोबारा हमारे घर नहीं आएगा। रोहित तो आज उसको छोड़ेगा नहीं, मार कर ही आएगा, तुम फिक्र मत करो। अरे हाँ हाँ मुझे तो मालूम है। और इधर रिंकी अपनी मम्मी के पास दौड़ते हुए आ जाती है। मम्मी मम्मी मेरी बच्ची मेरी रिंकी तो ठीक है ना? अले हाँ हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? अले हाँ बच्ची मैं ठीक हूँ। थी आज की कहानी दोस्तों। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।